बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैरामल कैसे बनता है। कैरामल मैं गुड़ से बनाऊंगी, ज़्यादा चीनी का ही बनाते हैं। मैंने मिल्की कैरामल केक बनाया था, तो तब मैंने उसमें चीनी का कैरामल बनाया था। फिर मेरी एक वीडियो बटर स्कॉच कैरामल केक था, उसमें मैंने शक्कर का बनाया था कैरामल। तो आज मैं आपको बताऊँगी गुड़ का कैरामल कैसे बनाएंगे, और ये बहुत ही मज़े का बनता है। चीनी की निस्बत गुड़ में ज़रा मीठा कम होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने लिए हाफ का जो ये देखें गुड़ है, इसका मैंने हाफ काट लिया था और मैंने इसे पीस लिया। तो इसके बन गए हैं 4 टेबलस्पून, ठीक है। गुड़ का जो शक्कर मैंने बनाया, गुड़ जो मैंने पीस है, ये 4 टेबलस्पून है। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून क्रीम है, 1 टेबलस्पून मक्खन है, हाफ प्याली दूध की है। सबसे पहले हम एक पैन में ये शक्कर डालेंगे, गुड़ को पीसा तो शक्कर तो बन गई है ये। लो फ्लेम पे आपने इसे बनाना है। जब देखिए इसे अभी आपने कोई चम्मच नहीं इसमें चलाना, जब ये मेल्ट होना शुरू होगा तो उसके बाद आपने ये चम्मच चलाना है इसमें। दूध में क्रीम को मिक्स करेंगे, शक्कर मेल्ट होना शुरू होगी। अब इसमें डाल देंगे हम मक्खन। मिक्स करेंगे, मक्खन डालने से बबल बनेंगे। जब हम मक्खन डालेंगे शक्कर में या चीनी का कैरामल बनाते हैं, तो मक्खन डालेंगे तो इससे बबल बनने शुरू हो जाते हैं। अब इसमें डाल देंगे दूध जिसमें हमने क्रीम मिक्स की है। अच्छी तरह चम्मच चलाते जाएंगे, चम्मच आपने चलाते जाना कि नीचे से गुठलियां ना बने। लो फ्लेम पे हमने इसे पकाना है और चम्मच से हिलाते जाएंगे ताकि नीचे लगे नहीं, और गाढ़ा होने तक हमने इसे पकाना है। ये देखिए अभी ये भी गाढ़ा नहीं हुआ, ये देखिए रेडी होने के करीब आ चुका है कैरामल। हम थोड़ा सा फ्लेम हाई करेंगे, चलो कि ये ज़रा थोड़ा जल्दी पक जाए। कैरामल रेडी हो चुके हैं, अब हम जो बॉल में निकालते हैं। गुड़ से बना हुआ कैरामल रेडी हो चुका है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गुड़ और शक्कर से बना हुआ कैरामल बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये केक में बहुत सी चीज़ों में ये इस्तेमाल होगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।